सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सड़क हादसे में किसी न किसी की मौत हो रही है। नालंदा में गुरुवार को सड़क हादसे में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहली घटना नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र की है, जहां नगरनौसा पेट्रोल पंप के पास चिड़ैया पुल NH 431 पर गुरुवार के दिन सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार वृद्ध की इलाज को ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान नगरनौसा थाना क्षेत्र के नीमचक मोहल्ला निवासी मुंदा यादव के रूप में की गई, जबकि जख्मी मोटरसाइकिल चालक दनियामा थाना क्षेत्र के तरौरा गांव निवासी ओम प्रकाश कुमार के रूप में किया गया। जख्मी लोगों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरनौसा में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को तत्काल पटना रेफर किया गया, जहां रास्ते में वृद्ध मुंदा यादव की मौत हो गई, जबकि ओम प्रकाश कुमार की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इधर मुंदा यादव की मौत के बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीण व परिजन नगरनौसा मध्य विद्यालय के पास NH 431 को जाम कर दिया। सड़क जाम होने की सूचना मिलते ही विधि व्यवस्था प्रभारी राकेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क जाम कर रहे आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से संचालित हुआ। जबकि दूसरी घटना नालंदा जिले के सरमेरा थाना की है, जहां सरमेरा थाना इलाके के बड़ी मलमा के समीप एक मालवाहक पिकअप वाहन ने टुनटुन सिंह के 5 वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार को ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बिंद से बड़ी मलमा की ओर आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बच्चे को ठोकर मार दिया, जिससे कि मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के द्वारा वाहन चालक और वाहन को अपने कब्जे में लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया। सूचना मिलते ही सरमेरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सब को कब्जे में लिया और वाहन एवं वाहन चालक को कब्जे में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम को हटाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। इधर घरवालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, तो नालंदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सड़क दुर्घटना में एक मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।